एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है उसको हमको समझना होगा क्योंकि बहुत माया भी धारण करके वह चुनौती आगे चलती है इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा तरह-तरह की चाले वो चलेंगे भारत को दबाने का एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे वैसा हो भी रहा है अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है ये बात ठीक है लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें परंतु दो बातें ध्यान में आती है पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते है उस परंपरा को फिर से दोहराया गया पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया इसलिए कुछ बचाव हो गया परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी उनको आवश्यकता है मदद की विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले ये उनकी आवश्यकता है परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है हम अगर दुर्बल है असंगठित है तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं निमित्त कुछ नहीं चाहिए हम दुर्बल है ये निमित्त पर्याप्त है और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना सशक्त रहना किसी से शत्रुता नहीं करना हिंसक नहीं बनना योगदान देने वाले बनना परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं अशक्त रहना नहीं इसको हमको करना ही पड़ेगा हमारे देश में भी ऐसा हो ये इच्छा है क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का सामर्थ्य न बने ऐसे उद्योग चल रहे हैं डीप स्टेट कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहाँ तो है ही नहीं ऐसा नहीं है अपने यहां है बहुत पहले से है क्योंकि केवल भारत नहीं सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार जाता है और ये करने के लिए पहले संस्थाओं को कब्जे में लो शिक्षा संस्थान है विद्यापीठ है शिक्षा व्यवस्था है माध्यम है बौद्धिक जगत है इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना विचारों को बिगड़ना अपनी परंपरा के प्रति अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना हम ही अपने लोगों को गाली दे हम ही अपने बातों को तुच्छ माने उनकी लज्जा करें इस प्रकार का वातावरण पैदा करना इतना बड़ा समाज है उसकी कई विविधताएं हैं उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है हमारे स्वार्थ अलग है संघर्ष उत्पन्न करना टकराव की स्थिति उत्पन्न करना लोगों को उग्र बनाना व्यवस्था कानून सत्ता प्रशासन इन सबके प्रति अश्रद्धा अनादर का व्यवहार सिखाना इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है अब युद्ध इस प्रकार से होता है इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है समय पर हमको जागना है हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है अंडरलाइंट कल्चरल यूनिटी ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समर के समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को पुष्ट करता है और वो बलवान होती है तो वो भी संस्कारों के क्षरण का कारण बनती है बड़ों के साथ बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं उनको क्या दिखाया जा रहा है इस पर कोई नियंत्रण नहीं है घर में क्या देखना नहीं देखना इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति में घर परिवारों में यह नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधि व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए कोई इसके नियंत्रण के लिए कानून बनना इसकी आवश्यकता है एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा महाभारत हो गया एक सीता का हरण हो गया रामायण हो गया यहाँ पर कैसी घटना घट रही है अब कलकत्ता में जो हुआ अर्जीकर अस्पताल में लज्जा जाना हम सबको कलंकित करने वाली घटना ये एक नहीं है घटनाएं होती है उसका नियंत्रण वगैरह करना जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ घटना होने ही नहीं देना इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए सुरक्षा देनी चाहिए परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से तालम का प्रयास हुआ अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है हमारी सांस्कृतिक दे नहीं ये दृष्टि जो कहती है मातृवत पर परेश पराई श्री माता समान है अभी गणेश उत्सव के और पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ क्यों हुआ कोई कारण नहीं था ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है कई करते हैं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए तैयार रहना चाहिए गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है मूलभूत अधिकार है क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं कहते करते अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं वच नहीं बलि किसकी देनी यज्ञ में चर्चा हुई कहते हैं क्या घोड़े की नहीं वो तो लात मारेगा हाथी नहीं बहुत बड़ा है शेर नहीं बाबा वो तो बिल्कुल नहीं फिर किसको तो बकरे को काटो कुछ नहीं कर सकता देवो दुर्बल घात का पर्वत्योहार सबके होने चाहिए ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को देवों को सबको बांट लिया वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में क्यों क्यों हो, हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाए भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाए सारे पर्वत्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे सहभागी हो बाहर से सहभागी हो अंदर जाकर सहभागी हो यह सहभागिता चाहिए और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं मंदिर है पानी है स्मशान है वो सबके लिए खुले चाहिए ऐसा वातावरण चाहिए जिस प्रकार की बातें आती है ओ टी टी प्लेटफॉर्म वगैरह पर बताना भी अभद्रता होगी इतना बिभत्स होता है और इसलिए मैंने कहा कि इसका कानून से भी नियंत्रण होने की आवश्यकता है बहुत आवश्यकता है जो संस्कार भ्रष्टता था एक बड़ा कारण वो भी है अपने घर के अंदर अपनी भाषा बोलेंगे घर के अंदर भाषा भूषा भजन भोजन अपना होना चाहिए ये स्वदेशी का व्यवहार है उसको आग्रह पूर्वक करना ये पांच बातें लेके स्वयंसेवक समाज में जाने का विचार कर रहे हैं समरसता सद्भावना पर्यावरण कुटुंब प्रबोधन स्वदेशी और नागरिक अनुशासन बलहीनों को नहीं पूछता बलवानों को विश्व पूजता जब भारत वर्ष गिनने लायक बल नहीं रखता था तो हमारे कितने अपमान होते थे हमारे लोगों को कैसे निकाला जाता था अब भारत वर्ष की शक्ति बढ़ गई है तो मान भी बढ़ गया है भारत वर्ष के नागरिकों की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है भारत वर्ष जितना बड़ा बनेगा उतना उसकी बातें स्वीकार होगी उसकी बातें सत्य है सबके लिए है सद्भावना परिपूर्ण है परंतु उसका स्वीकार होना है तो शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा ये आज के जगत की रीति है इसलिए शक्ति की साधना दुर्बल नहीं रहना शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब प्रकार का बल चाहिए संगठित समाज का बल चाहिए उसी की साधना राष्ट्रीय स्वयं संघ करता है परंतु शक्ति को दिशा चाहिए दिशाहीनों की शक्ति उपद्रव करती है और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बल के साथ शील की साधना होती है शील संपन्न शक्ति विश्व में सद्भावना और शांति का आधार बनती है साधना ही मुक्ति का शुभद्वार है शक्ति ही तो शांति का आधार है लेकिन ये शक्ति शील संपन्न होनी चाहिए इसलिए प्रार्थना आपने सुनी विश्वस्य विश्व से देय्य शक्ति जिसको कोई परास्त न कर सकते है ऐसा ही लेकिन तुरंत कहा सुशीलम जगत ये नम्रम भवेत ऐसा शील चाहिए जिसके सामने आदर पूर्वक सारा जगत नम्र हो